तो लेकिन कई सारे बच्चों ने कई सारे कमांडोज ने जो है वो एप्रिशिएट किया कि सर लेक्चर के साथ में जब जुड़कर आता है तो हमें जो समझ में आता है कि हम जो पढ़ रहे थे उससे एमसीक्यू कैसे बनता है इसीलिए तो बेटा मैं बोलता हूं कि आपको रोज डीपीएस लगाना चाहिए आपको कोई टेस्ट आपको मिस नहीं करना चाहिए मतलब मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको जो भी बच्चा बायोमेट्रिक्स को हंड्रेड फॉलो करता है यानी बायोमेट्रिक्स का पूरा पैटर्न हंड्रेड फॉलो करता है मैं कह रहा हूं आपसे ऐसी कोई वजह नहीं है कि उसका नीट में सिलेक्शन ना हो सिलेक्शन तय है आपका बस आपको जो हमारा जो कमांडो कमांडोरम है हम लोग इसको साधारण नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं हमारा कमांडो ट्रेनिंग है कमांडो कुरिकुलम है उसे आप फॉलो कीजिए हंड्रेड परसेंट आप सक्सेसफुल होंगे आप ठीक है ऐसे ही थोड़ी ना हजारों बच्चे निकल गए बेटा कुछ ना कुछ किया होगा कुछ ना, कुछ ना कुछ बच्चे जो है वो साथ चले होंगे बस इतनी सी बात है बीच में रुक मत जाना चलते रहना साथ मतलब मैं साथ हूं आपके हाथ पकड़ के चलता रहूंगा चलते रहना बेटा इसीलिए अभी जो लेक्चर आ रहे हैं उनमें मैंने थोड़ा सा कोशिश किया जैसे अब रिमेनिंग जो पोर्शन है ह्यूमन का भी पोर्शन है प्लांट का पोर्शन है उसमें हम कुछ कुछ एमसीक्यू वो लेने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है चले तो आज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो पहले लेक्चर पूरा करते हैं लेक्चर में क्या देखने वाले हम लेक्चर में देखने वाले फोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होते हैं कैसे खुलते हैं पोटेशियम आइन का क्या रोल होता है तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं बल्कि पहले लेक्चर देखते हैं और उसके बाद फिर जाइएगा नहीं रुकीयेगा हम एमसीक्यू लगाएंगे बेटा चलिए हेलो कमांडोज वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर जीतेन सिंह हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और अभी तक हम देख चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है एसेंट ऑफ सेप क्या होता है हमने देखा कि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है ट्रांसमिशन पुल क्या होता है ठीक है एक काम करते हैं अभी लेक्चर की शुरुआत में हम कुछ कीवर्ड्स में आपको बोलता जाऊंगा और उन कीवर्ड्स के मतलब आप साथ में मेमोराइज करते चलिएगा ठीक है मैं कुछ कीवर्ड्स बोलूंगा और उनको साथ में आप मेमोराइज करते हुए चलिएगा नंबर एक डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूनिपोर्ट सिम पोर्ट एंटीपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप ऑस्मोसिस एंडो ऑस्मोसिस एग्जो ऑस्मोसिस हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन आइसोटॉनिक सॉल्यूशन प्लाज्मोलिसिस तरगार प्रेशर वॉल प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल इम्बाइविशन ठीक है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन सिम्प्लास्टिक पाथवे एपोप्लास्टिक पाथवे पैसे सेल कैसपर स्ट्रिप ठीक है रूट प्रेशर कोहेशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एडेशन इन वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसप्रेशन पुल स्टोमेटल ट्रांसप्रेशन फोलियर ट्रांसपिरेशन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन लेंटिकुलर ट्रांसफिर एक्टिव स्टोमेटा फोटो एक्टिवेटा ठीक है अरे यही तो था ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के हमने कुछ कीवर्ड्स को जो है मैंने बोला आपके दिमाग में झट 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 एक के बाद एक के बाद उनके आंसर आते चले गए चैप्टर पे हमारी मास्टरी हो गई कोई क्वेश्चन गलत करके आएंगे है ना बेटा पक्का

यार हमारे बॉम्बे में ठंड नहीं पड़ती है हम लोग खुद सोचते रहते हैं कि कभी थोड़ी सी बहुत सर्दी पड़ जाए थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ठंडी आ जाए यहाँ पे तो थोड़ा हम भी स्वेटर वेटर निकाल लें कोट वोट पहन ले के अभी तो क्या होता है केवल कोट तब पहनते हैं जब पेशेंट आने वाला होता है ठीक है भाई आज ओ का टाइम है तो डॉक्टर थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए हम भी डॉक्टर हट के हैं तो तब पहन लेते हैं ये बात मेरे आपके बीच की बाहर मत पब्लिक में कर देना समझ गए चलिए तो अभी हम जो है कंटिन्यू करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में तो देखो बेटा इतना हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन क्या होता है पौधे के एरियल पार्ट से जो है वो वेपर्स के रूप में वाटर का बाहर निकलना ठीक है ये ट्रांसमिशन होता है एक टर्मोलॉजी में भूल गया था वो भी याद कीजिए गटेशन ब्लीडिंग इन प्लांट्स याद है ना ठीक है चलिए तो ये हमने देखा कि पौधे के एरियल पार्ट से जो है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में निकलता है और इसे हम ट्रांसप्रेशन कहते हैं ठीक है और स्टोमेटा जो होते हैं उन वो स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा दो गार्ड सेल होते हैं बीच में एक पोर होता है और पोर को हम स्टोमा कहते हैं गार्ड सेल उसे सराउंड करती है कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा कहते हैं गार्ड सेल को घेरने वाली विशेष कोशिकाओं को क्या बोलते हैं ऐसी कोशिकाएं जो गार्ड सेल के चारों तरफ पाई जाती है ऐसी सेल्स जो गार्ड सेल के चारों ओर पाई जाती है जो पोटेशियम आयन का स्टोर हाउस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें सब्सिडरी सेल बोलते हैं या एसरी एस सेल्स बोलते हैं ठीक है क्लियर हो ना हो पोटेशियम आयन की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है ओपनिंग में एक बात तो हम इन से समझ गए तो और आसपास गार्ड सेल दिखाई पड़ रही है गार्ड सेल में इनर वॉल थिक होती है आउटर वॉल थिन होती है ठीक है क्लियर अब थ्योरीज टू एक्सप्लेन आज हम बात करेंगे थ्योरीज टू एक्सप्लेन डे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा देखो अब एनसीआरटी में इसके बारे में विस्तार से नहीं लिखा हुआ है ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इस पोर्शन को मिस कर दें हमें चूंकि हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं हम देखो बेटा हम हम बायोलॉजी को एज ए पजल लेके पूरा सुलझा रहे हैं तो बीच में कहीं भी कोई लिंक मिसिंग है तो उसको मिस नहीं करेंगे उसको अच्छे से समझेंगे ठीक है थीके? तो अभी तक हमको यह बात मालूम चली कि इस गार्ड सेल जब टर्जेड होती है सुनो बात ध्यान मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं ताकि आप आप को लगे कि बड़ा सर कुछ बोल रहे हैं ठीक है तो सुनिए बात के जब गार्ड सेल में वाटर कंटेंट हायर अमाउंट में होता है गार्ड सेल टर्जिड होती है तो आउटर वॉल जो है वो इलास्टिक होती है बाहर की ओर जो है खिंचती है वो और इससे क्या होता है कि जो है स्टोमेटा अपर्चर का साइज बढ़ जाता है इनर वॉल जो है वो रेडियल मिसलेशन से बंधी होती है इसलिए अंदर तरफ खिसक जाती है उठ के तो कुल मिला के क्या हुआ तो स्टोमेटा ओपन हो गया उठ के तो देखिए सारा खेल टर्जिटी का यदि गार्ड सेल टर्जिड होगी तो स्टोमेटा ओपन होगा यदि गार्ड सेल फ्लैसिड होगी तो स्टोमेटा क्लोज आएगा है ना बेटा ये बात तो कंफर्म है लेकिन ये गार्ड सेल में टर्जिटी का परिवर्तन होता कैसे है कैसे मालूम चलता है उसे कि दिन में रात में ओपन करना करना है है रात बंद ठीक कैसे मालूम चलता है तो चलिए हम बात करेंगे आज इस जो है वो फोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ उप स्टोमेटा की हम बात करेंगे यहां पर कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं तो नंबर एक देखो एक बात तो क्लियर है कि हमने एक बात अच्छे से पढ़ी हुई है बेटा कि गार्ड सेल दूसरी एपिडर्मल कोशिकाओं से भिन्न होती है गार्ड सेल अदर एपिडर्मल सेल से भिन्न होती है अलग होती है क्योंकि गार्ड सेल का शेप डिफरेंट होता है और क्योंकि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है इसके और ह्यूगो वॉन मोहन ने इस बात को पकड़ लिया ह्यूगो वॉन मोहन ने कहा कि देखो दोस्त बाकी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है लेकिन गार्ड सेल में एसेंशियली क्लोरोप्लास्ट है इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस के कारण शुगर बनती है इसका मतलब यह कि फोटोसिंथेसिस होता है गार्ड सेल में गार्ड सेल में दिन के समय

ऑफ गार्ड सेल्स सिंथेसाइज ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर इन डे टाइम एंड विच रिजल्ट्स इन एंडो ऑस्मोसिस के तो ये क्या बोले यूगो वॉनवल दिन के दिन के समय क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर बनती है और ये शुगर जो होती है ये आ, जो है गार्ड सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएगी तो बाहर से वाटर अंदर आएगा एंडो ऑस्मोसिस होगा और इससे ट्रगार प्रेशर बढ़ जाएगा और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा ठीक है लेकिन बाद में साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया वैज्ञानिक अनुसंधानों में वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीस्ट एक्टिव होता है कम सक्रिय होता है के और ये इतनी मात्रा में शुगर नहीं बनाता है इतने अमाउंट में शुगर नहीं बनाता है कि जिससे ऑस्मोटिक चेंजेस हो सके तके? मतलब गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है सही बात है वो इतना शुगर लेकिन नहीं बना पाता है जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर में इतना चेंज आए कि गार्ड सेल फूल जाए तो इसका मतलब ये थ्योरी जो है वो यहाँ पर गलत सिद्ध हो गई क्योंकि बाद में जब देखिए सुनने में लगता है बिल्कुल सही थ्योरी है सुनने में ऐसा लगता है हमको ये बिल्कुल सही थ्योरी है लेकिन एविडेंसेस जो स्टडीज हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करती हैं ठीक फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए लिन्सवार्थ के इन्होंने

परमेबिलिटी होती है और दिन के समय जो गार्ड सेल की परमेबिलिटी होती है उससे कुछ ऐसे ऑस्मोटिक केमिकल गार्ड सेल के अंदर बनते हैं जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाता है रात में नहीं बन पाते ठीक है क्या काल इंसवार ने अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्यूरिंग डे टाइम दिन के समय फोटोसिंथेसिस करण CO2 जो है वो गार्ड सेल से रिमूव हो जाती है तो इंसवार ने साफ-साफ कह दिया कि देखो भैया गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट ना उसका सिर्फ इतना सा काम है कि वो दिन के समय सीओ टू को हटाता है क्योंकि सीओ टू जब कहीं पर भी इकट्ठी होगी तो वो एसिडिक एनवायरमेंट को क्रिएट करेगी वोट के तो ये दिन के समय गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट का काम होता है सीओ टू को हटाना और ये चूंकि हमको मालूम है कि इतनी मात्रा में शुगर नहीं बन सकती है जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाए, लेकिन फिर क्या सिग्निफिकेंस है गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का इतना क्लोर की में में परिवर्तन होता है पर ये परिवर्तन कैसे होता है क्या होता है कौन सा केमिकल बनता है, ये नहीं है। लेकिन इन्होंने जो बात बोली ये भी सही थी कि ये भी आज सही बात है तो अब डिफरेंट सॉलिड इनसाइड इन साइड सेल गार्ड सेल में डिफरेंट सॉलिड एंटर करते हैं और ओपनिंग स्टोमेटा होती है आज मालूम चला कि जो डिफरेंट सॉलिड है वो है पोटेशियम आयन वो क्या है वो पोटेशियम आयन है देखा था हमने इमेज में के। तो लिंसवार हालांकि लिंसवार पूरी तरीके से सही बातों को नहीं बता पाए लेकिन इन्होंने जो कुछ भी कहा ना उसको आप झुटला नहीं सकते हैं आपके ने जो पर, जो जो कहा उन्होंने उन्होंने कहा वो समय से पहले कहा उन्होंने और इन्होंने जो भी कहा वो सही निकला बाद में हालांकि इससे भी ये मालूम नहीं चलता कि खुलता कैसे फिर एक साइंटिस्ट आए लॉयर्ट अब इसके बाद जो है कई वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो भाई ऐसा है एक बात तो कई साइंटिस्ट ने बोला कि एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि हम सारे लोग सारे साइंटिस्ट इस बात पर सहमत हैं सुन रहे ना कहानी आप ध्यान से ठीक ये, ये है ध्यान ना बेटा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है भी आपको सुननी आपको के। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो भैया बात, बात तो हमने, हमने रिजेक्ट कर दी क्यों रिजेक्ट कर दिया हमने क्योंकि भैया गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो इतना अधिक एक्टिव नहीं है कि वो इतनी शुगर बना दे इससे ऑस्मोटिक परिवर्तन हो सके

और शुगर ऑस्मोटिकली एक्टिव होती है स्टार्च ऑस्मोटिकली होता है, स्टार्च एक है और, और पॉलीसेक्राइट ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को नहीं बढ़ाते हैं तो इन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल है ना कि दिन के समय स्टार्च शुगर में बदल जाए और रात को शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाए साइंटिस्ट बोले हाँ ये तो लॉजिकल बात लगती है के तो लॉयड ने क्या दिया लॉयड ने जो है वो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस को दिया 1908 में और इस थ्योरी के भी तीन हिस्से हैं के जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है जो परिकल्पना है स्टार्च शुगर परिकल्पना है हाइपोथेसिस है उसके भी तीन हिस्से पहला हिस्सा है लॉयर्ड थ्योरी लॉयर्ड ने बताया

दिन में शुगर में कन्वर्ट होगा शुगर ऑस्मोटिकली एक्टिव है एंडो ऑस्मोसिस होगा, तो होगा।, होगा।, होगा। यह बताया उन्होंने क्लियर लेकिन यह परिवर्तन किस एन से हुआ किस क्या कारण इसके पीछे थे यह लॉयर्ड नहीं बता पाए। के इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है शुगर स्टार्स का दूसरा हिस्सा वो है पीएच थ्योरी ठीक अब जो जो लॉयड ने बताया उसको और इंप्रूव किया सायरे और स्कार्थनेट के। देखिए बेटा मैं आपको यहां पर साइंटिस्ट के नाम बतला रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट के, लेकिन एनसीआरटी में नहीं है इसलिए इनके आने की संभावना कम है कम बोला मैंने शून्य नहीं बोला मैंने जीरो नहीं बोला मैंने ठीक है एक स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है बेटा जो अपने आसपास का पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर लेता है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन कहीं पे आएगा बाउंसर आएगा आएगा ना तो वो करके ठीक है और देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना ये सब ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर है ठीक है।, है कि एनसीआरटी ने इसको इंक्लूड नहीं किया लेकिन ये कंटेंट का हिस्सा है कोर्स का हिस्सा है बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीआर को मान लीजिए आप है ना क्योंकि हम लोग थोड़ी भी एक्स्ट्रा मेहनत करने से बचते हैं और यही हमारे लिए प्रॉब्लम करता है बाद में इसलिए प्लीज अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ठीक है तो अभी मैंने क्या कहा कि सायरे और स्कार्थ ने बोला कि लॉयड बाबू आपने ये बात तो बता दी कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है पर कैसे कैसे ये लोग पूछेंगे कल को कैसे भैया ठीक क्या बताओगे तो हम बताते हैं इसका उत्तर देखो लिंसवार ने एक बात मजे की कही थी उन्होंने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट दिन के समय सीओ को हटा लेते फोटोसिंथेसिस करके यदि CO2 ना हटता तो CO2 वाटर से क्रिया करता H2O CO2 प्लस सीओ कार्बोनिक एसिड बनता और एसिड बनता तो पीएच एसिडिक होता और एसिडिक पीएच जो है उसमें स्टार्च शुगर में कन्वर्ट नहीं होता है बल्कि शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है जब पीएच एसिडिक होगा तो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होगा स्टार्च शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा दिन के समय क्या होता है दिन के समय चूंकि जो है वो, जैसी, बनती है वो बनती उसको क्लोरोप्लास्ट यूज कर लेता है तो सियटू वाटर से क्रिया नहीं कर पाती है कार्बोनिक एसिड नहीं बन पाता है एसिड नहीं बनता तो पीएच नॉर्मल रहता है तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है ये बताया सायरे और स्कार ने देखिए क्या लिखा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी

और ये पीएच सेंसिटिव एंजाइम है और ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है तो हैंस ने बता दिया कि भैया एंजाइम है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और जब और ये एंजाइम जो है वो यदि पीएच जो है वो हाई रहेगा सेवन रहेगा तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा पीएच यदि एसिडिक रहेगा तो सेम एंजाइम शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा कि में, जब सेल में नहीं होती है, तो सियटू सेल के अंदर इकट्ठा होता है कार्बोनिक एसिड बनता है पीएच फाइव हो जाता है ठीक है

पीएच सेवन पर स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा और शुगर ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है एंडो ऑस्मोसिस होगा स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे रात के समय शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा क्योंकि पीएच फाइव होगा सी टू इकट्ठा होगा कार्बोनिक एसिड बनेगा तो पीएच फाइव हो जाएगा और एंजाइम फास्टर शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करेगा स्टार्च ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है एक्सो ऑस्मोसिस होगा वाटर बाहर निकल जाएगा सेल से और स्टोमेटा क्लोज ठीक है अब तो बात मजे की लग रही है हमको लग रहा है हाँ ये तो सही बात है फिर स्टीवर्ट ने कहा ठीक कि भाई इतनी देर से तुम लोग एक बात बोल रहे हो सायरे और स्कार्त बड़े भाई बड़े भाई जो है वो हम की बात करें ये सब लोग एक बात बोल रहे हैं कि शुगर में कन्वर्ट होगा, होगा अरे बायो लो भैया कितने ये तो बता दो ठीक है तो स्टीवर्ट ने कहा हमारे पास उसका उत्तर है हम बताएंगे तुम नहीं बता पाए बताएंगे कि कौन सा शुगर बनता है बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल क्यों बढ़ता है क्योंकि तो उसके अंदर जो है वो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज़ ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है नॉट रिएक्शन उन्होंने कहा कि बकायदा अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शन दिन के समय स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जो है इसे, इसे ओपन होते हैं ठीक है थिके? और रात के समय उल्टा होता है वही वही र, जो है वो सीरीज ऑफ रिएक्शन वही सीरीज ऑफ रात के समय उल्टे दिशा में चलेगी और ग्लूकोज स्टार्स में कन्वर्ट होगा और इतना बताया कि शुगर कौन सा होता है ये क्लियर किया इमेजमेंट के स्टार्च ठीक है डे टाइम दिन का समय है पी एस सेवन रहेगा इस रहे समय फ्लो चार्ट क्या बन गया, 1 बन गया दिन के समय पीएच एच सेवन पर एंजाइम करेगा फिर ग्लूकोजन एंजाइम काम करेगा ठीक है जो इसे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा अटके ठीक तो है वो थोड़ा सा आगे लगा ये खिसक गया है तो आप समझ तो लो कि ये यह यहाँ पर ये जो है ना ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट यहाँ लिखा हुआ है ठीक है

दिन में स्टोमेटा तो कैसे ओपन हुआ हमको ये बात समझ में आई क्या बना ग्लूकोज बना ठीक है थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन फिर रात में क्या होगा रात के समय क्या होगा बेटा कि पीएच पीएच रात के समय क्या हो जाएगा पीएच रहेगा फाइव के रात के समय पीएच फाइव होगा और उस समय

ये पूरा बताया स्टीवर्ट ने स्टीवर्ट ने बताया कि देखो ऐसे होता है काम के और ऐसे बताना चाहिए थ्योरी के लेकिन दुनिया के तमाम वैज्ञानिक बोले स्टीवर्ट बॉस आप एक गलती कर गए बड़ी क्या गलती कर गए गलती ये कर गए कि स्टोमेटा की ओपनिंग एविडेंसेस बतलाते हैं प्रमाण बतलाते हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग में एटीपी खर्च होता है क्लोजिंग में एटीपी खर्च नहीं होता है जबकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटीपी कहां खर्च हो रहा है स्टोमेटा को बंद करने में एटीपी खर्च हो रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटीपी कहां खर्च हो रहा है स्टोमेटा की क्लोजिंग में एटीपी खर्च हो रहा है इतना बड़ा चार्ट बनाया और बाद में गलत निकला थ्योरी गलत निकली वो ठीक

मोनोकोट प्लांट्स की गार्ड सेल में स्टार्च होता ही नहीं है तो फिर कैसे खुलेगा पूरी थ्योरी फेल हो गई है तो उसके यानी मोनोकोट प्लांट की गार्ड सेल में आपको स्टार्च नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलेगा यदि उसे स्टार्च को आप शुगर में कन्वर्ट कर भी दो तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा तो ये थ्योरी भी यहां पर गलत सिद्ध हो गई मतलब यह है कि To disturb you in between lecture. It's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. Need your support? Please take subscription to become an official commando of Biomentors. I can you your lecture. <laughs>

स्टोमेटा जो है वो दे कवर दी वन टू टू परसेंट ऑफ टोटल लीफ एरिया लीफ के एरिया का एक से दो परसेंट कवर करते हैं डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ स्टोमेटल एपरचर इन ओट इज मैक्सिमम के। ओट के अंदर स्टोमेटा के छिद्र का साइज सबसे बड़ा होता है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर ठीक है

तब हम देखेंगे कि C3 प्लांट क्या होता है C4 प्लांट क्या होता है अभी इतना समझ लो आप कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ शुगर फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर के निर्माण के दौरान ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ शुगर फॉर्मेशन जो पहला केमिकल यदि तीन कार्बन का बनता है पहला केमिकल तीन कार्बन का बनता है सीथ्री प्लांट यदि पहला केमिकल चार कार्बन का बनता है तो सी फोर प्लांट के बस इतना समझ लो अभी जब फोटो पढ़ेंगे डिटेल में बात करेंगे इस हम ठीक है इतना याद रखिएगा कि C3 प्लांट की तुलना में सीफोर प्लांट वाटर का लॉस कम करते हैं ठीक है स्टोमेटा

फास्फोराइलेज एंजाइम को गार्ड सेल में डिस्कवर किया था ठीक है इन और तुमने फास्फर एंजाइम को गार्ड सेल में डिस्कवर किया था

चार तक कंप्लीटली क्लोज होते हैं नॉर्मल प्लांट में ठीक है अब अभी तक जितनी थ्योरी पढ़ी है हमने कोई भी थ्योरी जो है ये नहीं बता पाई कि गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर में परिवर्तन क्यों आता है क्यों गार्ड सेल दिन में टर्ज होती है रात को फ्लश होती है अब यहां पे लॉजिकल आंसर मिला बिल्कुल सही उत्तर मिला वो मिला हमें एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोन रेगुलेशन थ्योरी वेरी वेरी आई ठीक है इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है ठीक है, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोन रेगुलेशन थ्योरी इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट लैविट, ने इसको 1974 में दिया इसको विस्तार से एक्सप्लेन किया रास्के और बॉलिंग ने कभी कभी ये पूछ लेते हैं अब ये चुकी ये क्वेश्चन जो है वो जिपमर के अंदर पूछा गया है अब जिपमर तो हो नहीं रहा अलग से लेकिन यही दिमाग में रहना चाहिए पॉइंट हमारे है, है ना बेटा ठीक है थोरी है, क्या होता है दिन के समय हमें ये बात मालूम है दिन के समय फोटो सेंगे सीओटो रिमूव होगा पी एस सेवन होगा इस पॉइंट पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है यह बिल्कुल एब्सोलटली सही पॉइंट है ये एकदम परफेक्ट के और दिन के समय थोड़ा सा भा चाहे भले ही नेग्लिजिबल स्टार्च हो कोई भी सेल ऐसी नहीं इसके पास स्टार्च ना हो प्लांट सेल में एक्सेप्ट कंपेनियन सेल के केवल कंपेनियन सेल को छोड़ दीजिए आप उसके अलावा पूरे प्लांट किंगडम में कोई भी सेल ऐसी नहीं इसके पास स्टार्च ना हो के भले ही नेग्लिजिबल अमाउंट में स्टार्च हो स्टार्च होता है ठीक है देखिए मोनोकोट की गार्ड सेल में स्टार्च नेग्लिजिबल अमाउंट में था मतलब था

देखिए, हो गया है। आएन आएन लग हो गया, और लग हो गया। और सब्सिडरी सेल जो गार्ड सेल के चारों तरफ होती है वे स्टोर हाउस होती है पोटेशियम आयन का ये तो हमने भी देखा हुआ कोई डाउट ने। जो सब्सिडरी सेल होती है वे स्टोर हाउस होती है पोटेशियम आयन का ठीक है फिर क्या होता है दिन के समय के अब दिन के समय जब गार्ड सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन बन चुका है मैलेट नेगेटिव आयन बन चुका है तब गार्ड सेल के सेल मेम्ब्रेन पर एटीपी खर्च करते हैं और हाइड्रोजन पोटेशियम पंप काम करता है वो हाइड्रोजन आयन को बाहर सब्सिडरी सेल में डाल देगा और बदले में पोटेशियम आयन को अंदर ले लेगा दाइड्रोजन आयन ऑफ द गार्ड सेल

को भेज दिया और बदले में क्या किया उससे पोटेशियम आयन को ले लिया उससे ठीक है क्या हो गया द पोटेशियम आयन इन द गार्ड सेल गार्ड्स में पोटेशियम आयन आया और वो मैलेट नेगेटिव आयन से कंबाइन हो गया और एक केमिकल बना पोटेशियम मैलेट एक केमिकल बना पोटेशियम मैलेट वेरी वेरी आईएमपी के ध्यान रखिएगा ये जो पोटेशियम मैलेट है ना पोटेशियम मैलेट दिस इज द केमिकल जो बड़े पैमाने पर गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर में परिवर्तन करता है ये ग्लूकोज की तुलना में कई सौ गुना अधिक ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है इट इज मोर ऑस्मोटिकली एक्टिव इट इज हाईली ऑस्मोटिकली एक्टिव एज कंपेयर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल के तो पोटेशियम मेलेट इज हाइली ऑस्मोटिकली एक्टिव और इससे तेजी से ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल का बढ़ता है और एंडो ऑस्मे होगा गार्ड सेल फूल जाएगी स्टोमेटा ओपन हो जाएगा ठीक है दिस इज द इंटायर प्रोसेस एक बार इसको हम अपने मन में रिकॉल करते हैं दिन के समय क्या हुआ बेटा गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट था उसने सीओ टू को हटाया पीएच नॉर्मल बना रहा नॉर्मल पीएच पर स्टार्स का कन्वर्जन जो है मैलिक एसिड में हुआ और कन्वर्जन को किया फास्टो इनोल पायर कार्बन ऑक्साइजन को किया मैलिक एसिड बना मैलिक एसिड डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन आयन बना मैलेट नेगेटिव आयन बना हाइड्रोजन आयन को सब्सिड्री को भेज दिया बदले में पोटेशियम आयन को अंदर ले लिया और इसके लिए हाइड्रोजन पोटेशियम पंप का यूज किया एटीपी एनर्जी को खर्च किया और पोटेशियम आयन जब गार्ड सेल के अंदर आ गया मैलेट नेगेटिव आयन से जुड़ा पोटेशियम मैलेट बन गया ऑस्मोटिक प्रेशर कई गुना बढ़ गया ठीक है देखिए स्टार्च ठीक है साथ में चले पी एच सेवन दिन का समय है फास्फोइनॉल इनॉल कार्बोक्सिलेज एंजाइम में यहां पे मैलिक एसिड में इसने कन्वर्ट किया मैलिक एसिड डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन आयन में और मैलेट नेगेटिव आयन में ठीक है हमने हाइड्रोजन आयन को पोटेशियम आयन से बदल लिया बदलने के लिए हमने हाइड्रोजन पोटेशियम पंप का इस्तेमाल किया एंजाइम एटीपी लगा जिसने को को खर्च किया यहां पर और हमने सेल से पोटेशियम ले 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 आयन लेके एनआई लेके आ गए हम गार्ड सेल में लेके आ गए अब पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर आ गया पोटेशियम आयन ने मैलेट नेगेटिव आयन से कंबाइन किया पोटेशियम मैलेट बन गया पोटेशियम मैलेट जो है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा और उसके बाद क्या हुआ बेटा कि ऑस्टोमेटा ओपन हो जाएगा है ना फटाफट स्क्रीन शॉट लो इसका फ्लो चार्ट बनाना है सारे बच्चों को बनाना है सारे कमांडो को बनाना है ठीक है है ना बेटा सब की कॉपी में चेक करूंगा है ना तो होना चाहिए कॉपी के अंदर समझ गए काश की ऐसा होता कि मैं आपके घर आके आपकी कॉपी चेक कर सकता काश की ऐसा होता ठीक है स की ऐसा होता सच में मैं कान कानी पकड़ के क्यों नोट नहीं किया ऐसा गंदा गंदा क्यों लिखते हो हाँ ठीक है तो मजा आता ना चलो है ना <laughs> बोलो सर अभी आप धीमे हिंसक की ओर बढ़ते चले जा रहे हो ठीक है तो एक्चुअली प्यार है बेटा ये हिंसा नहीं है प्यार है ठीक है ना? मतलब इतने दिन हो गए यार पढ़ाते पढ़ाते सच बता रहा हूं मैं आपको कि आप लोगों से जो है वो को पढ़ाते पढ़ाते मतलब मैं आपको महसूस करता हूं अपने आसपास कभी ऐसा नहीं होता मुझे लगता मुझे कि आप नहीं हैं या कैमरा है या कोई नहीं है पे कभी नहीं लगता कि मुझे ऐसा ही लगता है कि हजारों बच्चे वहां ऐसे हैं जो मेरे हैं मेरे अपने हैं मेरे परिवार का हिस्सा हैं मुझे नहीं मालूम कि किस तरह का बॉन्ड है कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे इस अफेक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे मुझे नहीं मालूम ठीक क्या बोल सकते हैं इसको क्या इसकी डेफिनेशन है ये भी मुझे नहीं मालूम लेकिन एक बात तो मालूम है दिल के तार को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती है ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है आपका आपके और मेरे बीच गुरु और शिष्य के बीच में एक इतना गहरा कनेक्शन है वो कि मैं सोचता हूं आप समझते हैं मैं बोलता हूं आप सुन लेते समझ जाते हैं क्या बस ये कनेक्शन कि मैं महसूस कर सकता हूं आपको ये कनेक्शन है और यही सबसे वैल्यूबल चीज है ये एक डिजिटल मीडियम से आश्चर्य की बात है मुझे बहुत इच्छा है आप सबसे मिलने की आपको वन टू वन देखने की आपके सिलेक्शन पे आपको आपकी पीठ को थपथपाने की बेटा शबाश अच्छा किया जा जिंदगी की रेस में और आगे निकलना बड़ी इच्छा है मेरी एक प्रॉमिस करो आज मेरे को आओगे ना मिलने फेलिसिटेशन सेरेमनी में आपको मुंबई आना है सबको मुंबई आना है जो बच्चे सिलेक्ट होंगे ना जितने सबको मतलब ये नहीं कि अरे जो सिलेक्ट होंगे दोस्त ऑल गेट इन्विटेशन फ्रॉम दी बायोमेंटर्स आपको आना है शामिल होना है आपको यहाँ पे हम मिलेंगे साथ खाना खाएंगे खूब मस्ती करेंगे, करेंगे। टिकटॉक का वीडियो बनाएंगे ठीक है तब बनाएंगे अभी नहीं बनाएंगे अभी पढ़ाई में फोकस पूरा है ना नहीं तो पता चला अभी निकाला और बनाना शुरू कर दिया ठीक है ऐसा नहीं तब बनाएंगे तब मजा करेंगे है ना? इस बार पिछली बार से ज्यादा मजा करेंगे है ना बेटा चलो तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस करते हैं फटाफट के तो कैसे खुला आप सोचो एक बार फिर से सोचते हैं एक बार फिर से रिकॉल करते हैं दिन के समय PS7, क्योंकि CO2 को आउट कर दिया मैलिक में हुआ, मैलिक हुआ, आयन, मैलिक नेगेटिव आयन, आयन को, को के आयन से बदल लिया, पंप की एटीपी खर्च किया पोटेशियम आयन अंदर आया मैलिक नेगेटिव आयन से जुड़ गया मैलिक बन गया, एक्टिव होता है ओपन हो गया खत्म बात ठीक है चलिए रात में क्या हुआ फिर रात में पूरी कहानी उल्टी हो गई कहानी को उल्टा करने वाला कौन सीओ टू रात के समय सीओ टू इकट्ठा हुआ इकट्ठा हुआ कार्बोनिक एसिड बना एसिड बना तो अभी पीएच फाइव पर पहुंच गया के, तो रात के समय फोटोसिंथेसिस रुक जाता है लेकिन रेस्पिरेशन चलता रहता है सीओ टू होता है

बंद हो जाओ पंप पंपेटा बंद होने का टाइम आ गया अरे तुम्हें बंद नहीं किया ना तो वाटर का लॉस चलता रहेगा प्रॉब्लम हो जाएगी के, तो शाम के समय जो है एसिड ने क्या किया हाइड्रोजन पोटेशियम पंप बंद हो गया भी हो रहा है यहां पर तो क्या लिखा हुआ द्लांट फेसिस एसिड इज प्रोड्यूसड बाई द्रोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल पहली बार इसको बतलाया था मिलबोरो ने ठीक है एफिसिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को बंद कर देगा इसलिए सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन का अंदर आना गार्ड सेल में आना रुक जाएगा और कुल मिलाकर अब उल्टी दिशा में काम होगा यानी अब पोटेशियम आयन को वापस से गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में पोटेशियम आयन डिफ्यूज आएंगे और बदले में जो है वो यानी पोटेशियम माँग आयन दे माइग्रेट बैक टू द सब्सिडरी सेल सेल चले जाएंगे और उसके बदले में क्योंकि पोटेशियम आयन डिफ्यूज होकर वापस सब्सिडी सेल के अंदर जाएंगे बदले में जो है हाइड्रोजन आयन वापस से अंदर आएगा मतलब चेंज इन परमिलिटी होगा में परिवर्तन होगा पोटेशियम आयन वापस सब्सिडी सेल में पहुंच जाएगा और हाइड्रोजन आयन वापस आएगा

साथ में फ्लो चार्ट बनाते चलिएगा साथ में फ्लो चार्ट बनाते चलिएगा बोल रहा हूं ठीक है प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड होगा ठीक है फिर उससे हाइड्रोजन पोटेशियम पंप रुक हाइड्रोजन पोटेशियम पंप रुक जाएगा ठीक है अब क्या होगा बेटा पोटेशियम आयन को वापस से हम सब्सिडरी सेल की ओर भेज देंगे शाम को जो फोटोसिंथेसिस है वो भी रुक जाएगा CO2 इकट्ठा होने लगेगा ठीक है क्या होगा पीएच इससे 5 हो जाएगा ठीक है बेटा

रात के समय का मैकेनिज्म है क्लियर बेटा ये रात के समय का मैकेनिज्म में कैसे स्टोमेटा क्लोज हुआ इसका मैकेनिज्म है ठीक है अब बात समझ में अब यहां पर एग्जामिनर फिर क्वेश्चन किया आपसे किसने पहली बार बताया था कि रोल ऑफ परमिलिटी एंड आयंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमटा देखो ये बात सही निकली हालांकि लिंसवार इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इसको लिंसवार ने बताया लिंसवार ने बताया कि दरअसल जो है वो स्टोमटा ओपन होते हैं क्लोज होते हैं उस समय मेंब्रेन की परमिलिटी में परिवर्तन देखने मिलता है ठीक है जेलिस नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि स्टोमटा की ओपनिंग में ग्लाइकोलिक एसिड रोल प्ले करता है बॉलिंग ने बॉलिंग ने पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दी थी ओपनिंग के लिए लेकिन लेविट ने बोला कि पोटेशियम आयन जो है नॉर्मली अंदर नहीं आता है उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है तो फर्क इतना सा है कि बॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी को जबकि लेविट ने बताया था एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को याद रखिएगा पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय बॉलिंग के एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय लेविट ठीक है जो कि सही सिद्ध हुआ ठीक है, क्लियर। की ओपनिंग एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रक्रिया होती है क्लोजिंग में एनर्जी खर्च नहीं होती है ने बताया कि, इन दी सेल, दी प्लांट टू लाइट दिस वॉज कन्फर्म के। ये जितनी भी बातें हमने अभी लिखी है ना समझी है यह सब में कई साइंटिस्ट इन्वॉल्वमेंट के तो इमे मोरा ने बताया कि पोटेशियम आयन दिन के समय गार्ड सेल में इकट्ठे होते हैं और ने फ्यूजर्म किया और विल्मर ने बताया कि दिन के समय स्टार्च का परिवर्तन शुगर में नहीं होता है बल्कि मैलिक एसिड में होता है, कोई भी मैंने कहा ना बेटा एक भी पॉइंट हमारे आसपास नहीं होना चाहिए कोई संभावना देखो, एन एन और शत्रु के लिए आप कोई भी दरव, 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 वीक पॉइंट छोड़ेंगे ना प्रॉब्लम करेगा अपने आपको मजबूत रखिए ठीक है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो एक प्लांट हार्मोन से कंट्रोल होती है वो हार्मोन क्या है वाटर स्टोर कंडीशन में प्रोड्यूस होता है वो है एपसेसिक एसिड ठीक है तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय दसिक एसिड को स्टोमेटा की क्लोजिंग को वो कंट्रोल करता है ठीक है चलिए अब यहां पर क्या हुआ बेटा यहां पर हमने आज देखा कि के दिन में खुलने की मैकेनिज्म क्या होती है तो फोटोसिंथेटिक हमने परमिलिटी हाइपोथेसिस स्टार शुगर हाइपोथेसिस एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट देखा हमने अच्छे हाइपोथिस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कुछ पौधों में रात में कैसे खुलते हैं और अगली क्लास में हम जो है वो ये ट्रांसमिशन वाले हिस्से को पूरा कर लेंगे हम देखेंगे उसमें कि रात में कैसे खुलते हैं और ट्रांसमिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं उस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ठीक है ना अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा जा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने दिन में खुलने का मैकेनिज्म पढ़ा है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरा मैकेनिज्म पढ़ के कंफ्यूज कर जाए इसलिए इसको एक बार दिमाग में डाल लीजिए फिर हम रात में स्टोमेटा कैसे खुलता है उस मैकेनिज्म को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है बेटा तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्ट तो चलो आपने लेक्चर देखा समझा आपने कि की थ्योरी क्या है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट क्या होता है सब्सिडरी सेल की क्या भूमिका होती है सब अच्छे से समझाना आपने ठीक है ट्रांसमिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे बेसिकली हम अभी क्वेश्चन जो करेंगे जो पिछला हमने पढ़ा है कुछ उस पर हम बेट बेस्ट जो है वो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम ठीक है ना चलिए तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा पहले आप सॉल्व कीजिए फिर मैं सॉल्व करता हूं इन हॉट समर डे ए प्लांट कूल इट है अब देखो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन है ने, इस पोर्शन से ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए मैं यहां पर एग्जाम वाले एमसीक्यू ही ले रहा हूं तो कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर बहुत सरल एमसीक्यू है पर बेटा एग्जाम में जैसे आते हैं वैसे करेंगे हम एफर्ट ठीक है ना इन हॉट समर डे ए प्लांट कूल इट कैसे पौधा अपने आप को कूल करता है यदि पौधा अपने आप को कूल नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा उसका एंजाइमेटिक सिस्टम जो है फेल कर जाएगा है ना याद है ना 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ने पर एंजाइम एंजाइम जो है है वो करना शुरू करते हैं हैं काम बंद कर देते हैं। ठीक है? में स्लो होते हैं और सिक्सटी के बाद एंजाइम काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं तो कूलिंग इफेक्ट के लिए क्या करता है प्लांट अब देखो कई बच्चे क्या इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इंटायर प्लांट गलत है पूरे पौधे से पूरे पौधे से लॉस ऑफ प्लांट वाटर नहीं होता है लिक्विड फॉर्म में वाटर का लॉस नहीं होता है लिक्विड फॉर्म में वाटर का लॉस कब होता है बेटा गटेशन में होता है सारे ऑप्शन ध्यान से देखा करो Gutation में वाटर का लॉस लिक्विड फॉर्म में होता है. और का होता है ये ठीक है ना ठीक ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट इन वाटर ये दैट इज दस ये एक जो है वो अप इवेंट है जो ट्रांसमिशन के बाद होता है इसका कूलिंग से कोई संबंध नहीं है, अब क्या है इसका बेटा वो है फ्रॉम लीफ के ये कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है इसी इसी को बोलते हैं, transpiration, इसी को बोलते बोलते हैं हैं हम. हम. यही कहलाता है ट्रांसपीरेशन बेटा ठीक है ना तो हॉट समर डे में पौधा अपने आप को कूल cool कैसे करता है वो व, लीफ से वाटर का लॉस करता है वेपर्स के फॉर्म में और जिन स्ट्रक्चर के थ्रू करता है उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं क्लियर ठीक है

क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एडोप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस कौन सा एक एडोप्टेशन है वाटर का लॉस कम करने के लिए दिस इज द्वेश्चन दट इज कनेक्टेड विद दी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्वेश्चन कनेक्टेड विद द के किससे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट से तो कुछ और दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद द इकोलॉजी ठीक है देयर आर सब फ्यू अरे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका संबंध एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से होता है जिनका संबंध फिजियोलॉजी से होता है जिनका संबंध इकोलॉजी से होता है ठीक है वैसे ही क्वेश्चन है

ये भी सही है ठीक है दोनों बिल्कुल सही है तो तीसरा भी सही होना चाहिए तभी तो हम ऑल ऑफ दीज आंसर लगा पाएंगे तो थोड़ा सा आप मैं जो है टाइपिंग एरर हुआ होगा बुक से ये तो आप उसको ठीक कर लो चेंज ऑफ स्टेम इंटू फाइल ओ क्लेट ठीक है ना चेंज ऑफ स्टेम ठीक कर लो बेटा आप है ना आप क्वेश्चन ठीक कर लो है ना तो आंसर क्या है इसका ऑल ऑफ दिस आंसर इज ऑल ऑफ दिस ठीक है ना क्लियर अब ये मत बोलना सर ऐसे ये तो एक लगाए दो लगाए दोनों सही है उठ के तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस हमने अपने एरर को ठीक कर लिया यहाँ पे हमने ठीक है ना यदि क्वेश्चन ऐसा कैसे एग्जाम में आएगा तो कैंसिल होगा बेटा ये ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं ऑफ दी फॉलोइंग इज कॉल्ड नेसेसरी किसे आवश्यक बुराई कहते हैं आवश्यक बुराई का मतलब यह है कि भैया गीते आंसर पढ़ाते पढ़ाते डांटते बहुत हैं बोलते हैं तुम करो मैं तो कान पकड़ के खींचूंगा पिटाई लगाऊंगा कमांडो ट्रेनिंग रखना पड़ेगा मशीन के समान व्यवहार करना पड़ेगा सेंटीमेंट को बाहर फेंकाओ जाके कोई तकलीफ दुख तकलीफ है तो कागज पे लिखो और अपने एक जो है वो बॉक्स टेंशन बॉक्स में डाल दो बॉक्स में डाल दो बाद में देखेंगे हम के सर लंबी लंबी क्लास लेते हैं लंबी लंबी बातें करते हैं डांटते भी है बहुत सारा पढ़ाते हैं ब्रीफ में नहीं पढ़ाते तो भैया ये हमारी आवश्यक बुराई है ठीक है क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हमको दिक्कत होगी बेटा ठीक है आपको जो गुरु कोई डांटता है पेरेंट्स डांटते हैं कि आपसे

द कंडीशन अंडर विच ट्रांसमिशन वुड बी मोस्ट रैपिड बताओ 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 किस कंडीशन में ट्रांसमिशन जो है वो सबसे अधिक तेज होगा जाहिर सी बात है बाहर वातावरण में नमी का मना चाहिए सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है बेटा वो है वेपर प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ठीक है दैट इज डिपेंड अपॉन दी ह्यूमिडिटी इन दी एटमोसफेयर ठीक है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी टेम्परेचर मतलब बहुत सारी चीजें पर डायरेक्ट फैक्टर क्या है डायरेक्ट फैक्टर है नमी वेपर प्रेशर का अंतर भाई ह्यूमिडिटी होगा तो वहाँ बाहर वेपर प्रेशर रहेगा स्टोमेटा के अंदर वेपर्स होती है तो वेपर प्रेशर रहता है तो हमेशा जो है वेपर यानी ट्रांसमिशन की प्रोसेस में क्या होता है डिफ्यूजन होता है हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर के वेपर्स डिफ्यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है बाहर नमी कम होगी तो ट्रांसमिशन फास्ट होगा तो एक तो यह हो गया लो ह्यूमिडिटी हो गया

अब आप बोलोगे सर ये भी तो सही है इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी ड्राई देखो बेटा ये सही हो सकता है लेकिन ये इनडायरेक्ट फैक्टर है ड्राई कंडीशन है मतलब टेम्परेचर अधिक है टेम्परेचर अधिक है इसलिए नमी कम है तो ये इनडायरेक्ट फैक्टर हो गया डायरेक्ट फैक्टर क्या हो गया वो है ह्यूमिडिटी ठीक है मैंने बताया भी था आपको याद रखिए

नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोमेटा इन एंजियोस्पर्म ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा क्यों खुलते हैं और क्यों बंद होते हैं बताओ क्या कारण है मैंने कहा था आपसे गार्ड सेल का शेप जो है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तो टरगार जब जैसे ही गार्ड सेल के अंदर टरगार प्रेशर में अंतर आता है उसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ता है तो गार्ड सेल का शेप वो चीज होती है जो स्टोमेटा के खुलने बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन उसमें जो फिनिना घटती है जो घटना घटती वो है ट्रगार यानी जब ट्रगार प्रेशर अधिक होगा मतलब वाटर अधिक एंडो ऑस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल फूल जाएगा स्टोमेटा ओपन कर जाएगा एक्सो होगा तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा स्टोमेटा क्लोज आएगा इट इज दी चेंज ऑफ ट्रगार वेरी वेरी आईएमपी एम ट्वेंटी ट्वेंटी वन मैं बोल रहा हूं आएगा मतलब आएगा नोट कर लो इसको ठीक है बाद में बोलना मेरे को बताना ठीक है

लेक्ट दोन आपको बताना वन टू थ्री फोर मिनट के उन फंक्शन को बता, को सिलेक्ट कीजिए फ्रॉम दी फॉलोइंग दैट आर दिंगफॉर्म बाइट ट्रांसमिशन फंक्शन को सिलेक्ट कीजिए जो ट्रांसमिशन करता है नंबर एक क्रिएट ट्रांसमिशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट मतलब ये पौधे में वाटर के एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसमिशन पुल पुलिंग फोर्स को क्रिएट करता है बिल्कुल सही है एब्सोल्युटली राइट right, कोई डाउट नहीं ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्योंकि मिनरल का ट्रांसलोकेशन जो होता है वाटर के साथ में होता है तो ये भी ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होता है बिल्कुल सही है कूल दी लीफ सरफेस लीफ की सरफेस को जो है वो कूल करता है ये भी सही है टेन टू फिफ्टी टू फिफ्टी डिग्री टेम्परेचर को बाहर से कम कर देता है वो ये भी सही है ठीक है सप्लाई वाटर फॉर फोटो सिंपल सी बात है वाटर ऊपर आएगा उसको सप्लाई भी करेगा ये मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर प्लांट बाय कीपिंग सेल टर्जिट क्योंकि वाटर आता रहेगा तो सेल टर्जिट बनी रहेगी ठीक सब सही है तो क्या हो गया मतलब ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट तो कितने हैं टोटल वन टू थ्री फोर फाइव आंसर आ गया फाइव ऑल फाइव आर करेक्ट ये सभी सही है ठीक है

क्लास किया, एमसीक्यू किया, डिपेंस लगा ले, कुछ बाहर से नहीं आएगा, सब इसी से आएगा बेटा, चिंता मत कीजिए, ठीक है? चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi, to become an official commando of ByaMentors, join us at www.byamentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentor's online app from Google Play Store.